हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक फ्रेम बनाएंगे और आप फ्रेम हम लेमिनेशन वाला फ्रेम बनाएंगे। इसमें हम शीशा नहीं यूज़ करेंगे, इसमें हम ग्लॉस यूज़ करेंगे और इसका हम पहले प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट आपको दिखा देते हैं कैसे निकलता है। चलो फ्रेंड्स, ये वाला हम प्रिंट निकालेंगे श्री राम का। इसकी कमांड दे देते हैं। इसकी क्वालिटी कर देते हैं हाई। एक बार हम मशीन को चेक कर लेते हैं। जो हमने साइज निकालना है वो वाला साइज हम इसमें भर देते हैं, 12x30 का। सो फ्रेंड्स, ये हमने कमांड दे दी है। हमारा 12x30 का प्रिंट निकलेगा। उसके लिए हमने 12 इंची रोल लगाया हुआ है। हमारा प्रिंटर धीरे धीरे निकल रहा है। थोड़ा समय लगेगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हमारा प्रिंट निकल रहा है और थोड़ा और समय लगेगा कंप्लीट निकलने में। ये हमारा प्रिंट कंप्लीट निकल गया है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम इसकी ग्लॉस काटेंगे। ये हमने ग्लोव कटिंग कर ली है, इसको रख देते हैं वापिस। इस मशीन में हम ग्लोव करेंगे, थोड़ा साफ कर लेते हैं एक बार। सो फ्रेंड्स, ये हमारी ग्लॉसी लेमिनेशन है।
एक बार इसको साफ कर लेते हैं प्रिंट को। लेमिनेशन करते समय थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा ताकि हमारी प्रिंट पे कोई दिक्कत ना हो। हमारी लेमिनेशन हो चुकी है प्रिंट के ऊपर। इस मशीन का हमारा काम हो गया है, इसको पीछे कर देते हैं। एक बार इसको निकाल लेते हैं पहले। ये वाला हमारा बोर्ड है, इस पर फेविकोल लगाएंगे और फिर उसके बाद फोटो को पेस्ट करेंगे। ये हमारा फेविकोल लग गया फ्रेंड्स, अब प्रिंट पेस्ट करेंगे। रोलर से इसको थोड़ा दबा देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए दबा देते हैं ताकि ये उखड़े ना। इसको एक बार हम अभी दबाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फोटो पेस्ट हो चुका है, हमने 2 से 3 घंटे के लिए दबाया था। अब हम एक बार उसको ले आते हैं। यह हमारा अच्छी तरह से पेस्ट हो चुका है। अब हम इसका फ्रेम करेंगे। इसका साइज ले लेते हैं।
जो हमने साइज लिया उसके हिसाब से डाई सेट करेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। एक बार इसको सेट कर लेते हैं। डाई सेट हो चुकी है, अब हम इसको जोड़ेंगे। ये हमारा फ्रेम बाउंड्री रेडी हो गया है, अब हम इसको फोटो की में डालेंगे। तो फ्रेंड्स से हमने स्टेपनर से इसको जोड़ दिया है, अब हम इसको इसके ऊपर टेप लगाएंगे। अब हम इस पर चारों तरफ टेप लगाएंगे अच्छे से। ये हम दीवार पे टांगने के लिए जिगजैग लगाएंगे। अब तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रेम बनकर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने ग्लॉस यूज किया है और मोल्डिंग है जो हमारी इसमें 1.5 इंची गोल्डन कलर की मोल्डिंग है। सो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।